मंच पर उपस्थित है महाभाव सभा में उपस्थित है महाभाव बहन अपने भाई सबको अपने योगेंद्र जी ने बताया था सुबह से गन्ने का रस निकाला था अभी बाद में क्या निकाल तो उन्होंने तो रस निकाल अभी मेरी बारी है पता नहीं क्या होता। और एक बात है गोलकुंडा साहित्य उत्सव हमारे अमना त्रिवेदी जी और आयु जी ने मुझे फोन पे बताया कि ऐसा उत्सव है लेकिन मैंने सोचा गोलकुंडा साहित्य अरे गोलकुंडा या आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साहित्य के बारे में मैंने सोचा क्या रे तेलुगु में गोलकुंडा साहित्य है और लोक साहित्य है लोक गीत है इनके बारे में बताऊं या इतिहास के बारे में बताऊं। तो मैंने सोचा मैं अभी तो इतिहास के बारे में नहीं जानता हूँ केवल हिंदी और तेलुगु में कुछ लोक गीत है उनके बारे में और उनके द्वारा संस्कृति की संरक्षण कैसे होता है यह सोचने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वैसा तो लोक साहित्य का प्रारंभ रविन्द्रनाथ ठाकुर से राम नरेश त्रिपाठी से और अन्य और महानुभावों से प्रारंभ हुआ और लोक साहित्य को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला क्योंकि और तेलुगु में और हिंदी में तो उनके लिए प्रतिष्ठित शब्द का उपयोग नहीं किया है घुमक्कड़ जाति ऐसा करते लेकिन उनको मैं घुमक्कड़ नहीं कहता हूँ वह अपने जीवन यापन करने के लिए धन की आशा के लिए और घूम कर लोक साहित्य का प्रचार के माध्यम से पैसे कमाना जीवन यापन करना उनका लक्ष्य नहीं था। मेरी दृष्टि में वे तो धर्म प्रचारक थे कम से कम उन्होंने वह क्यों निर्णय लिया लोक साहित्य को लोक गीतों को लोक नाटकों का प्रचार व प्रसार करने के लिए क्या आवश्यकता थी और कहीं नौकरी भी कर सकते थे और कई डिग्री भी प्राप्त कर सकते थे और कहीं भी कुछ कर सकते थे धन कमाने के लिए लाखों मार्ग है लेकिन उन्होंने लोक साहित्य को लोक नाटक को लोक गीतों को गाते हुए लोगों के सामने और जाकर के कहने की क्या आवश्यकता थी उनको इसलिए मैं उनको घुमक्कड़ नहीं और यहाँ खाकर उस्मानिया विश्वविद्यालय में यह लोक साहित्य के प्रमुख प्रोफेसर थे रामराज गर्ग और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो उस समय के नवाब थे और रामराज को क्लास में ले जाकर एक बहुत बड़ा कमरा दिखाकर तेलुगु के लिए यह कमरा बस होता है क्या तो उस समय तेलुगु पढ़ने वाले कम उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा इसलिए रामराज प्रोफेसर रामराज ने कहा नहीं अभी तो बस है लेकिन 10 साल के बाद एक कमरा नहीं होता और उसी प्रकार एक 10 साल के बाद उर्दू कम हो गया और तेलुगु बढ़ गया और वो कमरा भी पूरा भर गया। तो इसलिए यदि तेलुगु में या जानपद साहित्य कहते हैं जिसको हिंदी में लोक साहित्य कहते हैं और तेलुगु उन्होंने प्रथम उन्होंने शोध किया और उसमें अनेक बातों पर चर्चा की गई है और 1942 में तेलुगु में ब्राउन नामक अंग्रेजी विद्वान ने एक कथा का शोध किया उन्होंने और वो काकिनाड़ा उस समय प्रांत में है वो तेलुगु में बहुत प्रसिद्ध है उसका लक्ष्य क्या है और उसका लक्ष्य है महिला भारतीय महिला कितने पतिव्रता होती है कितने सहनशील होती है वो निरूपण ऐसा है शुभमंदु लक्ष्मण ऐसा ऐसे ही नौकरी के
के लिए, पति के लिए और अपने धर्म के रक्षण के लिए काम अम्मा किस प्रकार अनेक कष्टों को झेलते हैं धर्म के नाम पर। इसलिए ऐसे एक शोध हुआ है और उसी प्रकार यहाँ और हिंदी में भी एक ऐसी एक लोक गीत है जिसका अर्थ है जब गंगा स्तुति की जाती है, नाव नया नाव का निर्माण होता है जलावतरण करने के लिए और गंगा की स्तुति की जाती है, उसमें नाव को गंगा में उतरने से पहले और वह मल्ला भिक्षाटन करता है, भिक्षाटन करने के बाद और उस भिक्षाटन को जो भिक्षा मिलती है उसी के नैवेद्य के रूप में देकर वह प्रार्थना करता है, अगर मेरी नैया अगर कहीं कष्टों की देवी नहीं होती, डूब नहीं होती, क्योंकि जितने लोगों ने भिक्षा दी उसमें से एक धर्मात्मा अगर हो तो मेरी नैया डूब नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, यानी मेरी नैया यानी समाज में धर्म की रक्षा होनी चाहिए, धर्म से ही किसी की रक्षा होती है और धर्म से ही यह समाज की रक्षा इस प्रकार होती है। और उन्होंने और एक गीत में यानी इसमें लोक गीतों में माध्यम से अपने मनो कोई छंद नहीं रहता, अलंकार नहीं रहता, जितने अपने काम करते समय और जो भी भावना हृदय से निकलती है वह गीत के रूप में वह आती है। इसलिए वह उदाहरण के लिए ऋतु गीत में हिंदी में सावन में सूखे रह गए गिरधर बिन बाघ मेरे बाघ गिरधर के बिना सूख गए और श्याम घटा घन महर्षि आए और महर यानी धनराशि श्याम घटा घन महर्षि आए हमें कृष्ण बिन कहर्षि आए बिना कहर से आए और कहर आप जानते हैं और दूसरा या संकट के रूप में कृष्ण नहीं आना और महर के रूप में आना धन के रूप यानी आना यानी और कृष्ण के रूप में आने का मतलब क्या है, कृष्ण का जीवन सारा क्या है, किसके लिए उनके जीवन चला था और किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा की इसके बारे में उन्होंने बताइए। और उन्होंने और एक उदाहरण समय नहीं है इसलिए तेलुगु में भी एक है राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं तो उर्मिला जाना चाहती है लेकिन नहीं बोल सकती तो तेलुगु में ऐसा और उसमें यशोधरा मैत्री शरण गुप्त का यशोधरा में भी यही है कि वहाँ यशोधरा क्षत्रणी के रूप में कहती है लेकिन यहाँ तेलुगु में वो कहती है तेलुगु में मैं उनका हिंदी में अनुवाद करता हूँ वह लक्ष्मण के साथ जाना चाहती है तो लक्ष्मण कहता है तेलुगु परंपरा है तेलुगु संस्कृति है बहन बाबा नडिचिन मार्गमुन नडवरादंदु येलाम वेगिंतुनु बहनों के मार्ग में और यह साली नहीं जाना चाहिए यह संकट कैसे उत्पन्न हो गया मैं क्या कर सकता हूँ और बाबा माटल की भूमि को इतना राजू येलाम वेगिंतुनु और बहनों की बातें भी नहीं सुनना चाहिए तो तुम कैदी हो मेरे साथ आना चाहती हो मैं क्या करूं यानी भारतीय संस्कृति में यह इस प्रकार की एक है और भारतीय संस्कृति में एक द्वारों का खम्बल होता है वो द्वारों का खम्बल से क्या क्या लाभ होता है और किसके लिए होता है आजकल मैंने शादी में देखा 15 महिलाएं और 15 लोगों के हर पैरों में या कमर के धागे से
यानी बकरी के बांध से बने हुए रस्सी बंध हुए है। तेलुगु में ऐसा एक है संबंधक कट्टुकोना कट्टुकोनी पलचुकोना अखिलमैन वर्गालकु आक्षेपण लेदु। एक नंबर बोलने से या पहनने से और किसी का आक्षेप नहीं होता। देव तरफ मृत्यु सुनने देह आरोग्य मुलु बकरी से बना हुआ बांस से बना हुआ कंबल यह भगवान के लिए भी स्वीकार्य है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और नल्ला लोग नदी दक्कु करी ना अखिल भूत प्रेत अतने वाते को चेहरों को जो अकेले के रोमन पाल के काला कंबल पहनने से और किसी प्रकार का यह हानि नहीं होती। भूत प्रेत भी नदी में आते तेल्ला गोंगा भी तक तुम्हारा देवता प्रसन्न है। सफेद का कंबल पहनने से और उस कंबल पहने का तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह देवता अवश्य प्रसन्न होगा। इस प्रकार अनेक भारतीय संस्कृति में है। और गौरी पूजा भी की जाती है। एक हिंदी में है भगवान ने मुझे वाणी दी लेकिन भगवान का कीर्तन नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे पैर दिए और मेरे पैर मंदिर के सामने नहीं जाते। यह गांव वालों की ग्रामीण गीत है। यह इतना महान पंडितों की वाणी और ये जो ग्रामीणों की वनिता की या पुरुषों की वाणी में कोई अंतर नहीं है। शब्दों का अंतर है और भाषा का अंतर है। पंडित की भाषा नहीं और सामान्य भाषा में भारतीय वेदों की श्रुतों की वेदों की रक्षा इस प्रकार यह होती है। और हनुमान में चेत के इच्छी मुद्र के तेलुगु में है। हनुमान जी के हाथ में अंगूठी देकर वनचरण बिना भैया वाहन कारण है। बरसात की समय आ गया है आप कैसे जाते हैं। धरा चेहरा भी यदु मनितर वेदिका सागरम दाटी दाटे वो लिखु हम कैसे सागर आप तो बरसात का समय है और कैसे पार कर से समुद्र को। इसलिए और सागरों को दाटे लंका मार्गम तेलुसुकोने आकाश वीधि नहीं बोई। यह आकाश वीधि में जाकर लंका में जाना श्री राम नाथ की श्री पुण्यवती की अन्न मुद्रिक नहीं हो आनवाली तो आकाश वीधि में जाओ और अंगिली संकेत जो है और सीता माता को दो। आप आगे व्रत सीता नदी की नहीं है। और लक्ष्मण कहता है जब उनके मैं सीता को याद किया ये मेरी बात भी उनसे कहना आसुरन लाकु लयकाल मुच्छे रे अंतु। अंत में एक बात कही है उन राक्षसों का अंत होने का समय आ गया है। यह किसी पंडित का या कवि कवि की कल्पना से भी ऊपर है। इसलिए यह लोक साहित्य लोक कथा है। और हर गीत और तेलुगु में भी एक लोमी मल्लालो नो मल्लालो चंदा मामा ऐसा गीत है लोकप्रिय है। अब तेलुगु में हिंदी में भी है। और ऐसे आप एक एक प्रांत में एक एक अभंग है। महाराष्ट्र के हमारे तेलुगु में हल्दीगर जी ने तेलुगु में अनुवाद किया है अभंग समर्थ राम के या उनके अभंगों का पहले अभंग जो है। और जो भी साहित्य है और बिना छंद अलंकार या कोई पांडित्य ना होने पर भी अपने भावनाओं को भारतीय संस्कृति को अपना संस्कृति समझकर कृष्ण के जीवन को अपना जीवन समझकर राम के जीवन को अपना जीवन समझकर आप किस प्रकार उन्होंने अपने लोक भाषा में लोक कथा में अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। और ये निजाम के बारे में भी एक है। एक तेलुगु में एक अच्छा गीत है पुलकरा पुलकुडा अनुवेशी नारु बाबू। हर
काट के लिए लकड़ी के लिए बंद अब कर दिया है। फिर कबड्डी जेलोबेटी पिंडू का पो झाड़ू बाबू और शिकार खींच कर जेल में रख कर और अपने शोषण करता है। अपने तेलंगाना के आगरा के या भारत के अपने भाइयों के बीच में कूट डालकर बर्बाद करने जाने वाले हैं ये निजाम। बाबू और सब कुछ लूट लूट कर अपने ले जा रहा है। यह शैतान प्रभु जी का सागरी मंडोई भावु इस शैतान का प्रशासन अब हम नहीं चलने देंगे। इस प्रकार है गौरी की पूजा में लक्ष्मी की पूजा में हर पूजा में भारतीय संस्कृति और कोई और पति की आशा किस प्रकार का वर होना चाहिए। ग्रामीण महिला कहते हैं जिस घर में राम जैसा कोई पुरुष है तो मेरी दादी उनसे सगाई करवा दी। किसी के घर में लक्ष्मण जैसा कोई आता है तो मेरी माँ उनसे सगाई कर देगी। हिंदी में है, तेलुगु में है और जेवरों के बारे में है, आभूषणों के बारे में। इस प्रकार हर भाषा में यानी भारतीय भाषाओं में राजस्थान में या अवध में भोजपुरी में अनेक दयाभक्त गीत है और तेलुगु में भी इसी प्रकार के अनेक गीत है। उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति का रक्षण हुआ है और निजाम के प्रतिकूल में भी और प्रतिकूल में भी और उन्होंने अनेक गीत लिखे और जो निजाम के विमुक्त आंदोलन में यह लोक साहित्य का और लोक संगीत का लोक कीर्तन का बहुत बड़ा योगदान रहा ऐसा मैं समझते हुए और धन्यवाद।